द एक्सेस पॉइंट में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान रियाज चौधरी। इस वक्त की बड़ी अपडेट लेके हम हाजिर हैं कि लगातार जिस तरह से कोरोना महामारी बढ़ रही है, वहीं जम्मू कश्मीर में प्राइवेट स्कूल जो हैं उन अदारों की तरफ से लोगों को लूटने का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि 2020 में भी ये सिलसिला जारी था, लेकिन डायरेक्टर स्कूल की तरफ से जो है ऑर्डर करके पाबंदी जो है इन स्कूलों के ऊपर लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद जो है अब जो 2021 में अप्रैल में जो स्कूल बंद किए गए हैं उसके बाद भी जो है लोगों की तरफ से शिकायत मौसूल हो रही है और लगातार ये कहा जा रहा है कि प्राइवेट अदारों की तरफ से लोगों को लूटने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। हालांकि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से जो है एक ऑर्डर किया गया है कि जो एडमिशन फ़ी है उसके ऊपर रोक लगा दी गई है, किसी को भी जो है एडमिशन फ़ी जो है लोगों को नहीं देनी है। और वहीं प्राइवेट स्कूल जो है उनके ऊपर भी सख्ती से डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से एक ऑर्डर किया गया है कि जो भी अदारा इसमें पाया जाएगा उसके ऊपर सख्ती से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि बहुत सारे लोगों की तरफ से आज भी शिकायत मौसूल रही है कि लगातार स्कूल की मैनेजमेंट जो है वो पेरेंट्स को बुला के, बच्चों को बुला के कि आज आपकी काउंसलिंग है या मीटिंग्स है, तो उसके रिलेटेड जो है वो उनको बुलाया जाता है, ईमेल्स के जरिए बुलाया जाता है, व्हाट्सएप के जरिए जो है मैसेज करके बुलाया जाता है, तो उन लोगों को लगातार जो है वो एडमिशन फी के लिए बुलाया जा रहा है, ट्यूशन फी के लिए लगातार बुलाया जा रहा है। हालांकि अप्रैल के दिनों में जो है 30 तारीख तक जो है अभी तक सरकार की तरफ से स्कूल को बंद करने के आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं जो सारे प्राइवेट अदारे हैं जिनकी मनमानी जो है वो लगातार चल रही है और लोगों को लूटने का सिलसिला जो है वो लगातार चल रहा है, उसके ऊपर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ऑफ जम्मू की तरफ से एक ऑर्डर किया गया है कि जो भी अदारा इसमें पाया जाएगा कि लोगों की तरफ से जो लगातार शिकायत मौसूल हो रही हैं, अगर इसमें कोई स्कूल भी जो है वो मुलव्वस पाया जाएगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है वो होगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट कि लगातार कोरोना महामारी में भी जो है प्राइवेट स्कूल के जो अदारे हैं उनकी तरफ से लगातार लूट सूट जो है वो लगातार जारी है, लोगों को लूटने का सिलसिला जो है मीटिंग्स के द्वारा जो है बुलाया जाता है, वो व्हाट्सएप ईमेल के जरिए बच्चों को या पेरेंट्स को मैसेज दिए जाते हैं कि आपकी स्कूल में मीटिंग है, तो उस सिलसिले में उनको बुला के वहाँ पे एडमिशन फ़ी के लिए कहा जाता है, लेकिन जो सरकार की तरफ से एक सीधा आदेश है कि सिर्फ ट्यूशन फ़ी ही देनी होगी। हालांकि अभी जो है कोरोना महामारी चल रही है और उसको चलते सरकार की तरफ से स्कूल को बंद करने के आदेश दिए हैं, उसको चलते जो है सरकार की तरफ से क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है कि वो ट्यूशन फ़ी जो है वो नहीं दी जाएगी। हालांकि बाकी जो कई सारे अदारे ऐसे पाए जा रहे हैं जहां से लोगों की तरफ से शिकायत मौसूल हो रही है, ये कहा जा रहा है कि आज भी एडमिशन फ़ी जो है वो मांगी जा रही है, तो उसके ऊपर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से जो है एक ऑर्डर किया गया है कि जो भी अदारा इसमें मुलव्वस पाया जाएगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा, अब बने रहिए मजीद खबरों के लिए द एक्सेस पॉइंट के साथ। शुक्रिया।